इंडियन आर्ट प्रमोटर द्वारा आयोजित कला स्पंदन राष्ट्रीय कला महोत्सव 2016 का आयोजन 17 से 20 नवंबर 2016 के बीच मुंबई में वर्ली स्थित नेहरू सेंटर में किया गया। इस महोत्सव का विधिवत उद्घाटन समारोह सिने अभिनेता मुकेश ऋषि के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध छाया चित्रकार पद्मश्री सुधाकर ओलवे, जे कला विद्यालय के प्रमुख प्रोफेसर विश्वनाथ साबले और साथ ही कला क्षेत्र से जुड़े अनेक जानी मानी हस्तियां मौजूद रही। मैं हमेशा कोशिश करता हूं, जब जब इन्होंने मुझे कहा है, क्योंकि भले ही मैं पेंटर नहीं हूं, लेकिन कहीं मुझे वो जो भाव हैं, उसी तरह के भाव जो हम में आते हैं, हम अपनी लाइनों के जरिए बाहर निकालते हैं और आप पेंट के जरिए, तो ये कमाल का एक रिश्ता है हमारा और पेंटर का। और यहाँ जैसे आज आया हूँ तो खुशी की बात यह है कि बहुत सीनियर लोग से मुलाकात भी हुई और एकदम जो फर्स्ट टाइमर हैं उनसे भी मुलाकात हो रही है। तो मुझे लगता है ये कम्बिनेशन अपने आप में बहुत ही मज़ेदार है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ लोग सीख के जाएंगे एक दूसरे से, तो ये अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि कुछ और प्लेटफॉर्म भी, जैसे टीवी के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, म्यूज़िकल प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, डांस के लिए, तो मैं चाहूँगा कि किसी का दिमाग चले, ऐसी पेंटिंग का कोई प्लेटफॉर्म बने जिसमें तरह तरह के इतने आर्टिस्ट हैं हमारे पास, हमारा इतना डिफरेंट कल्चर है, कहाँ अलग अलग किसी की पेंटिंग किसी से नहीं मिलती है, और मैंने कुछ भी नहीं, मेरे ख्याल में 30 मीटर भी सफ़र किया है अभी, तो किसी का दिमाग किसी से नहीं मिलता है, बिटवीन कितने वेरिएशंस हैं हमारे पास में, तो ऐसे कुछ और प्लेटफॉर्म बने जिसमें लोग नेशनल लेवल पर लोग देख सकें पेंटर्स को। पेंटिंग एग्जीबिशन तो समझ में आती है, लेकिन वो उस तरह का कोई बातें हो, तो जैसे मैं कह रहा हूँ, हो सकता है किसी से डिस्कस करेंगे, कोई ऐसी चीज़ें निकल के आए, तो क्यों ना पेंटिंग कंपटीशन हो टीवी पे, ऐसी कोई बातें बन के सामने आए। तो मेरी सबको, पूरे सब भाइयों को, दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी कला जो है वो खुद ही लोगों को अट्रैक्ट करेगी जब आएंगे यहाँ पे, और सब कहानी कुछ ना कुछ कहानी कह रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो आने वाले लोग पसंद करेंगे और आपकी ये जो आप जो कहना चाहते हैं उसे अपने घर में लेके जाएंगे, तो सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। पेंटर खुद हूँ और पेंटिंग के हिसाब से, एक आर्टिस्ट के हिसाब से रामजी शर्मा, तो मैं यही चाहता है कि आर्ट की दुनिया, जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि भाई हर त्यौहार पे सोना खरीदना जरूरी है, मेरे दिमाग में इतना की बात बहुत दिनों से घूम रहा है कि हर त्यौहार पर, हर शादी ब्याह में पेंटिंग क्यों नहीं जरूरी है। आई बात समझ में? कई बार मैं आर्टिस्टों को बहुत नज़दीक से देखता हूँ तो बोलो सर मार्केट अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, क्यों नहीं अच्छा है भाई, सोने का मार्केट अच्छा क्यों नहीं है, सोना गिर जाए तो भाई मैंने सोना पा लिया, ठीक है, पेंटिंग गिर गया तो भैया ये भी तो बहुत बड़ा धन है, तो इसे हमें इम्पोर्टेंट बनाना है, कोई चले या न चले हमें तो चलना है। हम सारे आर्टिस्टों से यही बात करता हूँ, जिस तरह आप बीमार हों, स्वस्थ हों, मायूस हों, खुशी हैं, सांस को चलना है, ठीक उसी तरह आपको मार्केट हो या न हो, मार्केट कहीं आसमान से नहीं आता है, आपको मार्केट बनाना है, जस्ट लाइक डमरू, आप डमरू बजाएंगे दुनिया खुद आएगी, और अपने काम की इज्जत आप खुद करें, बिल्कुल मत समझें जिस तरह आपको ईश्वर ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है, कोई ऐसे कोई कंपनी ने आपको नहीं बनाया है, ठीक उसी तरह एक पेंटिंग योर क्रिएशन, किसी अरे गहरे किसी ने बनाया नहीं, आपने उसके, आप उसके जन्मदाता हैं, आप उसका इम्पोर्टेंट बनाएं, उसकी कीमत लगाएं। कई बार हमसे लोग कहते हैं सर आपका कितना मटेरियल लग गया इस पेंटिंग में, वाई मटेरियल, अरे मटेरियल क्या, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, प्यार करने का क्या मटेरियल है, हा? मैंने आपसे प्यार कर दिया, आपने पूरी जिंदगी हमें समर्पित कर दिया, दिस इज ए वेरी बिग इम्पोर्टेंट। उसी तरह एक आर्टिस्ट जब अपनी कल्पना को पेंट करता है, वो जिस रूप में करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी इतनी कीमत है आप उसकी कीमत लगा ही नहीं सकते। ये तो ठीक है रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है, हर आदमी को पैसे की ज़रूरत है, उसको रिक्वायर है, तो उसके हिसाब से अपने सोच के हिसाब से एक वैल्यू लगा देता है कि भाई ये हमारी प्राइस है। लेकिन कई बार कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं सर कितना टाइम लगता है, कितना मटेरियल लगता है, कितना कैनवास ख़त्म हो गया, कितना कलर लगता है, टोटल कितना खर्चा आता है, अरे वाह आपने कविता लिखी, कविता लिखने में कितना पेन की स्याही घिस गई, आप एक शायरी बोलते हैं शायरी लिखने में कितना, अरे ये जर्नी है, इस जर्नी की कीमत है, आनंद का कोई कीमत नहीं होता, एक मस्ती है, एक आनंद है। और मैं भी स्ट्रगल नहीं बोलेंगे, मैं बोलेंगे कि मैं काम करते गए मेरे तीन वर्ड दिमाग में है, जो फास्ट होता है जो प्रैक्टिस,
सेकंड भी प्रैक्टिस और थर्ड भी प्रैक्टिस, बस वही प्रैक्टिस करते जाओ तो आगे बढ़ते जाएगा। और वो मेहनत कभी असफल नहीं होता, क्योंकि हम लोग सोच के करेंगे, जैसे गीता में भी वही बोला है कि फॉल का आशा मत करो, तो वही है, काम करते जाओ करते जाओ, फॉल ऑटोमेटिक आता है। एक फ्लावर का खुशबू आदमी ढूंढ के लेके आता है, खुशबू इसी जगह में होता है, पर आदमी उसी खुशबू को तरा हो चला आता है। कि आपका भी पेंटिंग ऐसे हो जो सब आपको पेंटिंग देखने के लिए चलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा। हमारा जो इंडियन आर्ट प्रोमोटर या कला स्पंदन जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वो बाय द आर्टिस्ट है एंड फॉर द आर्टिस्ट एंड विद द आर्टिस्ट, एक्चुअली इज आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑनली। माइसेल्फ इंटीरियर डिजाइनर मिस्टर गौतम मुखर्जी इज आर्टिस्ट, वेरी ओल्ड एंड रिनाउंड आर्टिस्ट, वी बोथ वी हैव स्टार्टेड इट। ओके, तो हम लोग वहाँ से शुरू किया और हम लोग आर्टिस्ट का सेंटिमेंट देखते हुए आर्टिस्ट के लिए प्लेटफॉर्म बनाया। इसमें कोई बिजनेस नहीं है, इसमें सिर्फ आर्टिस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ये एक रीजनेबल जो कॉस्ट यहाँ निकालते हैं, सब कंट्रीब्यूट कीजिए और सब लोग मिलके एक एग्जीबिशन कीजिए। बायर्स को अपना अपना पहचान से, सबका जो संबंध है अपना अपना पहचान में जो भी है, आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर सबको बुलाइए और सबका पेंटिंग्स प्रदर्शन कीजिए और उसको बिक्री का सुविधा कीजिए। हाँ, चार दिन यहाँ पर है संडे तक। आने वाला दिन में हम लोग ये शो बेंगलोर में करने जा रहे हैं अप्रैल महीना में। वहाँ हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट आर्ट गैलरी एंड नेशनल बोथ हम लोग गेट टुगेदर वहाँ कर रहे हैं। इधर इज आर्ट समिट एक्चुअली, एंड आफ्टर दैट हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं अक्टूबर में। इसके बाद हम लोग का प्लान है सिंगापुर में। सो ऑल प्लेटफॉर्म विल बी फॉर आर्टिस्ट, विद द आर्टिस्ट एंड फॉर द आर्टिस्ट। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स पिछले बार मिला, पिछले बार ज़्यादा हमारे पास न्यू आर्टिस्ट थे, मतलब जो न्यू कमर्स अपकमिंग्स। इस बार हम लोग अपकमिंग्स एंड एस्टेब्लिश बोथ आर्टिस्ट के गेट टुगेदर कर पाए हैं, ये एक बहुत बड़ा जय है। उसमें न्यू कमर्स को एस्टेब्लिश आर्टिस्ट और मास्टर्स से सीखने को मिलेगा और मास्टर्स को उनको गाइड करने को मौका मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म इस बार तैयार हुआ है, तो इसका ही आगे चल के और बड़े ये चीज सबका कंट्रीब्यूशन रहे, ये हमारा मकसद रहे। मुकेश जी आए उसके लिए तो सबसे मैनी मैनी थैंक्स टू हिम, और इन्होंने जो शब्द कला के बारे में रखा यहाँ पर 100% सारे आर्टिस्टों के हौसला तो और बढ़ गया। और दूसरी बात, ये जो ब्लैक मनी सर मनी सर्कुलेशन के बारे में इन्होंने जो इनका ओपिनियन रखा, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक आम जनता के लिए। इसका जो असर है बहुत ही गहरा है और आर्ट में इसका दोनों तरह से असर है। ये नहीं है 500,000 का नोट लेके आ जाओ, पुराने नोट और पेंटिंग खरीद लो, ऐसा भी नहीं है। आप आइए, देखिए, अच्छा लगे खरीदिए, और व्हाइट मनी से ही खरीदिए। ब्लैक मनी के यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट हम ब्लैक मनी लेके कुछ नहीं कर सकते उसको।